हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं अपनी होंडा SP125 की फर्स्ट सर्विसिंग का वीडियो लाने वाला हूँ। ये सर्विसिंग मैंने 2-3 महीने पहले करवा लिया था, बट मुझे वीडियो बनाने का मौका आज मिला, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। तो जो मेरी पहली सर्विसिंग हुई थी SP125 की, वो हुई थी 123 या 125 किलोमीटर पर। ठीक है, मैं आपको बिल दिखा दूँगा। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपको ऑयल चेंज वगैरह नहीं सर आप मत करवाइए, क्योंकि आपका 126 किलोमीटर बस हुआ है। तो हमने भी बोला ठीक है, तो उन्होंने बस जनरल चेकअप कर दिया, कुछ ऑयल वगैरह चेंज कर दिया चैन वैन का, और कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, क्योंकि एक महीने में उन्होंने बोला था कि सर एक महीने के अंदर आपको पहला सर्विसिंग कराना होगा, चाहे फिर गाड़ी ज़्यादा चली हो या ना चली हो। तो फिर क्या, मैं एक महीने में चला गया, और मेरी एक महीना उस टाइम लॉकडाउन थी, हमारी इधर उन्होंने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं, तो 126 किलोमीटर बस चली थी एक महीने में। तो उन्होंने 126 किलोमीटर में अपने शोरूम बुला लिया, और शोरूम जाने के बाद कुछ ऐसा सीन था, ये जो गाड़ी है दूसरे की गाड़ी है, ये चल चुकी थी 5,000, इनकी दूसरी या तीसरी सर्विसिंग थी, और मेरी गाड़ी ये जो अभी आने वाली है, तो मेरी गाड़ी ये है जो ये लेके आ रहे हैं। मेरी गाड़ी चली थी सिर्फ 126 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी का सर्विसिंग बस जनरल चेकअप हुआ, लाइट वगैरह स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बैटरी चेकअप हुआ, और कुछ बस उन्होंने चेक किए जनरली, और कुछ थोड़े बहुत टायर में प्रेशर वगैरह ये सब बस चेक किए, और उन्होंने छोड़ दिया कि बोले सर आप मार्च में आइएगा, आप अपनी सेकंड सर्विसिंग के, तब इसको ऑयल चेंज और कुछ चेंज होगा वो हम लोग कर देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका भी गाड़ी लिए हैं पहली सर्विसिंग में जा रहे हैं, 100-200 बस चला है, तो प्लीज़ आप भी अपना इंजन का ऑयल चेंज मत करवाइए। इतना जल्दी इंजन ऑयल चेंज ख़राब नहीं होता, इंजन ऑयल ख़राब होता है 5,000, 10,000, 15,000 पे। आपके जो गाड़ी होंगी उनके साथ जो एक बुकलेट मिला होगा उसमें दिया होगा कि कब ऑयल चेंज करना है, कब का क्या चेंज करना है। तो मैंने इसे ले गया था, उन्होंने बोला कि बस जनरली चेकअप किया, इसका प्रेशर दिया, इसको धो दिया और मुझे दे दिया। जाते के साथ सबसे पहले जो गाड़ी का काम करते हैं लोग, सबसे पहले गाड़ी देखते हैं और फिर इसको सर्विसिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। थैंक यू। तो ये दोस्तों बिल है, क्योंकि मेरा पूरा काम फ्री हो गया, क्योंकि इसमें ऑयल चेंज नहीं होते, ज़्यादा पैसा नहीं लगा। अगर ऑयल चेंज में तो सिर्फ 300-350 रुपये मेरा बनता, और मेरे गाड़ी में सिर्फ 0 रुपीज़ लगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, बस जनरल चेकअप करवाया, क्योंकि मेरा सिर्फ 126 किलोमीटर चला, जैसे कि आप बिल में दे सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसा ही वीडियो और देने में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपके पास भी SP125 या BS6 की कोई भी बाइक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा अपने चैनल पर, ताकि आप लोग को भी अगर कोई इशू हो तो आप बता सके कमेंट में। थैंक यू।